नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद से सियासत तेज है। जहां तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को उन्होंने निजी बयान बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम लोग भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान राम को बेचने वाले काम बीजेपी के लोग करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को बता दें कि बड़बोले नेता बताते हुए उन्होंने कहा है कि केशव बड़बोले हैं। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव केशव ने बता दें कि उन्होंने कहा है कि जसवंत नगर के आकर प्रचार किया था, जनता ने सबक सिखा दिया और अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उनको सबक सिखा देगी। बड़े पैमाने पर लोग जनसंख्या लोग जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पीछे इतना जनसमूह इकट्ठा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से नाराजगी जताते हुए बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से जहां पूरे देश में माहौल गर्म है, वहीं ऐसे में हरदोई के कछौना कोतवाली के बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध तहरीर देकर FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई थी और इस विवादित टिप्पणी के बाद से पूरे देश में बता दें कि लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता इस बात से नाराज हैं। ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में अब कछौना कोतवाली क्षेत्र के निवासी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला मंत्री मयंक सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने की मांग को लेकर एक तहरीर कोतवाली में दी है और अपने कई पदाधिकारियों के साथ पहुंचे जिला मंत्री ने कहा है कि स्वामी का ये बयान बेहद खराब बयान है। गत दिनों कल परसों में सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो भी पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है और हमारे पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसको लेकर हम सभी कार्यकर्ता, हमारा समस्त हिंदू समाज बहुत ही आहत हुआ है और जनभावनाओं को बहुत तकलीफ पहुंची है और पूरा हिंदू समाज इस तरह के बयानों को बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध लगातार जारी है। वहीं रिलीज के एक दिन पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चेतावनी सामने आई है। उन्होंने किसी भी कीमत पर पठान को रिलीज ना होने देने की चेतावनी दी है। क्या है पिक्चर में? पिक्चर में आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा सब कुछ, जब हमारे धर्म की खराब भगवान को अपमान किया जा रहा है और हमारे ये देश हिंदू भारत देश के अंदर जो लोग जो लोग कमाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तान भेजने का मतलब कि पाकिस्तान ले रहे हैं, जो तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ शाहरुख खान अभिनेत्री देविका पादुकोण से कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, इसका खर्चा हिंदू माता देगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों का हैं। अगर इसकी फिल्म लगेगी आगरा के अंदर तो निश्चित तौर पर हिंदू महासभा आगरा का खड़ा करेगी। दर्शन है पठान के खिलाफ। देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के अभिनेता अभिनेत्री की फिल्म है, जो कि इस पिक्चर का जो पैसा आएगा वह पाकिस्तान की बाढ़ पीड़ितों के लिए जाएगा। हमारा विरोध केवल ये है, जो JNU में जाकर दीपिका पादुकोण कन्हैया कुमार का समर्थन करती है, भारत की भूमि के साथ गद्दारी करती है,
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अपने पैसे का एक बहुत बड़ा अंश आतंकवाद और जिहादियों के लिए जाएगा, इसलिए इस फिल्म का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आगरा की धरती पर इस फिल्म का हमने पहले ही कहा था बहिष्कार, तो पूर्ण बहिष्कार, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने। और ये पोस्टर देखिए किस तरीके से शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर बता दें लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस मौके पर बता दें कि ये आगरा की तस्वीर है जहां पर पठान फिल्म को लेकर लोग इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे। और बता दें कि कल पठान 26 जनवरी को पठान रिलीज़ होने वाली है और इसको लेकर ही लगातार देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। और 25 को पठान रिलीज़ होने को लेकर पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आगरा की ये तस्वीर है जहां पर पोस्टर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग इसको लेकर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान किस तरीके से बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के कपड़े को लेकर विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आगरा में इसका पुरजोर विरोध करते हुए नजर आई है। और पठान फिल्म को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम इस फिल्म को किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होने देंगे और चेतावनी देते हुए नजर आई है। बता दें कि कल शाहरुख खान की फिल्म जो है पठान वो रिलीज़ होने वाली है, जिसको लेकर पूरे देश भर में इसका एक अलग विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां शाहरुख खान के फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वहीं पूरे देश में इस फिल्म को लेकर एक अलग गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, एक अलग विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस फिल्म में जो दीपिका पादुकोण है उसने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वही झांसी के नगर बड़ा गांव में आज बागेश्वर धाम शीर्ष मंडल झांसी द्वारा श्याम मानक द्वारा बागेश्वर धाम के पीठा बता दें कि पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध गलत और अभद्र टिप्पणी करने वाले श्याम मानक का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बागेश्वर शिष्य मंडल के सभी सदस्यों द्वारा जय श्री राम बागेश्वर धाम के जय नारे के लगाए गए हैं और साथ ही नगर में श्याम मानक की अर्थी यात्रा निकाली गई है। इसके साथ साथ ही बागेश्वर धाम मंडल झांसी के सभी गुस्साए सदस्यों ने द्वारा श्याम मानक के पुतले को जमीन में गिरा कर पैरों से कुचलकर अपना एक विरोध देखने को मिला है, अपना गुस्सा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। वही महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित आईटीएम बता दें कि कॉलेज चहरी में आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया है। समिट में 120 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लेकर 174 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 9000 से भी अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इस निवेश के सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 40% से अधिक निवेश की संभावना है। कार्यक्रम में दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को इस दौरान सुविधाओं की जानकारी दी गई है और साथ ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निवेशकों को AMU हस्तांतरित किए हैं। और साथ ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश दिवस के बधाई देते हुए कहा है कि फरवरी में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सभी जिलों के भागीदारी होने वाली है। उसी के तहत महाराजगंज में आयोजित हुए इन्वेस्टमेंट समिट में 1600 करोड़ का इन्वेस्ट साइन हुए हैं और आने वाले समय में जनपद में 3 से 4 हज़ार करोड़ के निवेश आने वाला है। इससे जिले के विकास के साथ ही रोजगार के अवसर मिलेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि कृषि आधारित जनपद होने के कारण फूड प्रोसेसिंग संबंधी सबसे ज़्यादा निवेश आ रहा है। उम्मीद है कि 10 फरवरी से पहले ही 3000 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा। शांतनु जायसवाल जी, आज महाराजगंज में आप इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया है, उनसे व्यापारी आपने इन्वेस्ट किया है और सरकार की जो पहल है कितना महत्वपूर्ण है? हमने होटल इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, हमारा वर्क अप्रॉक्स 80% कम्प्लीट है, मई तक ओपन कर रहे हैं। ये आपका मुख्यालय से पहले होटल खुल रहा है, होटल सेवी ब्लिस के नाम से, उसमें हमारे 50 रूम्स है और क्या कहते हैं 2 बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट बार रहेगा। ये हम लोग महाराजगंज जनपद के लिए
खोल रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं आपके द्वारा बताना भी चाहेंगे कि मई तक हम लोग का ओपनिंग हो जाएगा। मंत्री जी, आज जो इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया गया है, महाराजगंज जनपद को कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है? पहले तो मैं आप सबको पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को आज बधाई देता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इन्वेस्टर समिट चल रहा है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि जो फरवरी में इन्वेस्टर समिट होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना, उसमें सभी जिलों की भागीदारी हो, उसी के तहत आज महाराजगंज में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अभी 1600 करोड़ का इंटेंट साइन हुआ है। कितना महत्वपूर्ण है जनपद के लिए और क्या अभी तक हुआ है? देखिए, GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच में। इसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। हर जिले में ये इस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक मंच पर लाते हुए और इन्वेस्ट के लिए निवेश अनुकूल माहौल बनाया जाए और इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 एक सेशन रखा जाए। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद में आज 24 जनवरी को हमने ये आयोजन किया, इसमें माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में। इसमें लगभग अभी महाराजगंज जनपद के लिए 1674 करोड़ के हमारे लेटर टू इंटेंट साइन हो चुके हैं और 120 से अधिक MOU हमने साइन किए हैं। सर्वाधिक जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर वाले अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में हमारे लगभग 40% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, चूँकि महाराजगंज जनपद एक। अब खबर बागपत से है, जहां पर नेशनल हाईवे 709B पर सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य और लेखक के एस भगवान द्वारा रामचरितमानस और प्रभु श्रीराम पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामला को लेकर हिंदू जागरण मंच और कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर पुतला फूका है और जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि लेखक के एस भगवान और साथ ही भगवान नाम के रूप से ये दुष्ट और राक्षस है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने को लेकर उन्होंने कहा है कि समाज में जहर घोलने का काम ये करते नजर आए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर पुतला फूंका गया है। रायबरेली में तलवार से केक काटने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर बता दें कि हरचंद्रपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी का तलवार से केक काटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से राजनीति गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है। झांसी के योगीराज में भी प्रदेश नगर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले काफी बुलंद है। दबंगों द्वारा खुलेआम एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट करने के बाद इसका विरोध करने पर दुकान का संचालन करने वाली महिला को बीच सड़क पर घसीटकर बुरी तरह से पीट पीट कर जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का विरोध भी सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है। बता दें कि ताज्जुब की बात यह है कि घटना के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कृष्णनगर में रहने वाली सोनम शाक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया है कि वे अपने घर पर परचून की दुकान चलाकर अपने जीवन यापन करती है। कल रात उनकी बता दें कि दुकान पर वो बैठी हुई थी, तभी उनकी बेटी इस दुकान पर बैठी हुई थी, तभी मोहल्ले में रहने वाले कुछ दबंग वहां आए और दुकान से सिगरेट ली उन्होंने। साथ ही पैसे मांगने पर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया और दुकान में घुसकर काफ़ी तोड़फोड़ और लूटपाट मचाई उन्होंने। वही सोनम के अनुसार जब उनके इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे दुकान से घसीटते हुए सड़क पर पटक कर बुरी तरीके से पीटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को मामूली मामला बताकर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। प्रार्थना पत्र पर मारपीट का वीडियो प्रमाण के रूप में बताते हुए दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। मेरा नाम सोनम साकिया है, मैं कृष्णा नगर कालोनी की रहने वाली हूँ और मेरे साथ मेरी एक छोटी सी दुकान है, ये मेरी बच्ची है जिसमें हम लोग परचूनी की दुकान चलाते हैं। पड़ोस में रहने वाले शिवा और गौरव शर्मा दोनों भाई आए उस सिगरेट लेने के बहाने से, जिन्होंने हमारी बच्ची ने सिगरेट दे दी और पैसे मांगे तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, बच्ची को गाली गलौज करने लगा, बच्ची से कहने लगा नहीं देना और हमारी दुकान का सामान फैला दिया, चार पांच लड़कों को और बुला लिया।
तो बच्ची को धमकाने लगा, बच्ची जोर से चिल्लाई माँ माँ, तो मैं दौड़ के आई तो जैसे ही मुझे मारा पीटा और सब, फिर दीपक शर्मा भी आके और सुभाष ने भी मुझे बहुत मारा रोड पर खचोड़ के और मेरा गला फांस दिया। आपने थाना प्रेमनगर शिकायत की? थाना प्रेमनगर में मेरी बच्ची गई, मैं तो बेहोश हो चुकी थी, तो बच्ची ने 112 भी डायल किया, थाने गई, कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने कहा अपनी माँ को ले जाओ और उसका इलाज करवाओ। इसके बाद हम लोग का लाए लौट कर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहते हैं छोटा मोटा केस है, इसमें क्या करेंगे हम। अभी अभी आप क्या किसको प्रार्थना पत्र दिया? अभी हमने SSP प्रार्थना पत्र दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर रायबरेली में DM माला बता दें कि श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है और बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के सदैव तत्पर रहे इसका संदेश दिया है। रत्नापुर चौराहे पर हाल ही में विकसित किए जा रहे एंट्री पार्क को लेकर हस्ताक्षर अभियान के दौरान उन्होंने सिग्नेचर कैनवस पर खूबसूरत मैसेज भी लिखा है। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के अलावा CDO पूजा यादव, SDM अमित कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा के साथ ही आम लोगों ने भी सिग्नेचर कैनवस पर हस्ताक्षर किया है। यहां एंट्री पार्क में इस दौरान उन्होंने गैस गुब्बारा भी उड़ाया है जिस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लिखा हुआ है। बदायूं में वजीरगंज विकास खंड के गांव हरनाथ मुस्ताखजा निवासी प्रधान के बेटे के सचिव पर प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर मोहर के आपत्रों को आवास योजना के लाभ देने के आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से शिकायत की गई। जहां एक तरफ मोदी और योगी सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के ही कुछ कर्मचारी अधिकारी मोटी रकम लेकर गरीबों को उसका हक छीन रहे हैं और अपनी तिजोरी भरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आवास योजना में अपात्रों का चयन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला बदायूं जिले के बसौली तहसील के हसनात मस्तखरजा का है, जहां पर यहां बता दें कि प्रधान तारावर्ती के बेटे चंदन ने SDO पंचायत और साथ ही सहायक पंचायत सहित सचिव पर मिलीभगत कर प्रधान में फर्जी मोहर और हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली करने का, अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाते हुए पात्रों को सूची के नाम काटने का आरोप लगाया है, जिसकी प्रधान बेटे ने DM बदायूं को शिकायत पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए धांधली के जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनपद बधाई तहसील बैसौली की, वहाँ पर 113 लोगों के नाम की सूची आई थी, तो मेरी माँ ने जो पात्र लोग हैं उनके लिए सूची में रजिस्टर किया नाम, और जो अपात्र थे उनको हटा दिया गया। लेकिन सचिव साहब ने कोई अपनी फर्जी मोल लगा के और फर्जी साइन करने के बाद, और जो हमारे गांव के मेंबर हैं ना किसी के पंचायत गठित की ना कुछ हुआ उसमें, और जो हमारे यहाँ जो चेक इन हुई थी उसमें ना पंचायत साहब वो सचिव साहब आए थे, ना ADO साहब आए थे, डायरेक्ट इरफान आए थे जो सफाई कर्मचारी है, जबकि उसको कोई वो हक नहीं है जो हमारे यहाँ का जांच पड़ताल की। साइन फर्जी और फॉर्म और किसकी लगाई गई है? फर्जी साइन मेरी माँ की लगाई गई है, प्रधान जो मौजूदगी में है अभी। साइन उनकी वो फर्जी साइन है उनके। उसकी शिकायत आपने किसी से की नहीं? मैंने CDO साहब से की और DM साहब के यहाँ भी पत्र भेजा था। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं हुई है वहाँ पर। सचिव क्या कह रहे हैं? सचिव साहब कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है इसमें। मैंने बोला था, मैं नहीं बताओ ये बिना प्रधानी भाई तुमने क्यों किया ऐसा, तो कह रहे जो हो गया सो हो गया। भजन से भी की, बोले इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन कुछ मैं बदायूं में ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि ओम कटारिया के आह्वान पर बबलू कुमार जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री संबंधित ज्ञापन SDM बिसौली ज्योति शर्मा को सौंपा गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली का है, जहां पर बबलू कुमार जिला अध्यक्ष ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में हरि ओम कटारिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश के ग्राम चौकीदार नियमित वेतन वृद्धि राज्य कर्मचारी का दर्जा पुलिस रेगुलेशन के अनुसार थाना हाजिरी मृतक आश्रित के रिक्त पदों पर नियुक्ति
सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री संबोधन एसडीएम बैसोली को सौंपते हुए 28 जनवरी को बता दें कि कालिदास मार्ग लखनऊ पर ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के होने जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए एसडीएम बैसोली ज्योति शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। तो वेतन को लेकर, और मेरा नाम बबलू कुमार, जिलाध्यक्ष, और जो हमारा जो वेतन है 2500 रुपये में, तो इसमें हमारा कोई गुजारा नहीं होता है। सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम हमारी जो आज की ट्रेन मजदूरी चल रही है वो हमें वेतन दिया जाए, और चतुर्थ श्रेणी का हमें दर्जा दिया जाए, और जो हमारे पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से काम है वो हमसे काम दिया जाए, जो हमारा सूचना देने काम वो काम दिया जाए, अन्य काम है वो हमसे नाम नहीं दिए जाए। सरकार से हम यही मांग करते हैं, और जितने हमारे सब चौकीदार हैं, हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिओम कटारिया हैं, सूर्य पासवान सर हैं नखलऊ से, 27 तारीख को हमारा नखलऊ जाएंगे, 28 तारीख को हमारा धरना। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।